आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। दोस्तों आज बी टाउन के गलियारों की चटपटी गॉसिप्स के साथ मैं रेनू माथुर हाजिर हूँ लेकर एक बार फिर से बॉलीवुड रैप, जहां मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जाना पड़ा कोर्ट, कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ के साथ ब्रेकअप की खबरों पर पहली बार क्या कुछ कहा, इसके अलावा महाराष्ट्र के सियासी दंगल में आखिर क्यों कूद पड़ी है कंगना रनौत, इन सब के अलावा और भी है बहुत कुछ खास। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का काउंटडाउन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान की। उद्धव ठाकरे ने एक तरफ जहां इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं कंगना रनौत ने एक वीडियो बना उद्धव ठाकरे पर अपनी भड़ास निकाली है। कंगना ने वीडियो शेयर कर कहा है कि जब पाप बढ़ जाता है तो सर्वनाश होता है और उसके बाद सृजन होता है। आपको तो याद ही होगा ना वो किस्सा जब कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया था। उस टाइम कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे सरकार को ललकारा था और कहा था कि आज मेरा घर टूटा है और जल्द तेरा भी टूटेगा। उद्धव ठाकरे पर कंगना रनौत का ये बयान इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लोगों को लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम की गद्दी संभालेंगे, लेकिन इससे उलट महाराष्ट्र की बागडोर अब एकनाथ शिंदे के हाथों में आ चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नए सीएम चुने जाने पर शिंदे को कंगना रनौत और इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बधाई दी है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी को शेयर करते हुए एकनाथ शिंदे के राजनीतिक सफर की तारीफ की और इसके साथ ही उन्हें ढेर सारी बधाइयां भी दी। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम पिछले साल क्रूज ड्रग मामले में आया। इस दौरान आर्यन के गिरफ्तार होने पर शाहरुख खान का पूरा परिवार काफी परेशान भी रहा। स्टार किड को 24-25 दिन तक जेल में भी रहना पड़ा। हालांकि आर्यन खान को ड्रग्स केस मामले में एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। अब उन्होंने एक याचिका दायर कर अपना पासपोर्ट वापस करने की मांग की है। पिछले साल क्रूज ड्रग मामले में एनसीबी से क्लीन चिट मिलने के बाद आर्यन खान ने स्पेशल एनडीपीएस अदालत के सामने याचिका दायर कर अपना पासपोर्ट वापस किए जाने की रिक्वेस्ट की है। अदालत ने एनसीबी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख रख दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदिरा बेदी ने अपने पति राज कौशल की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनके लिए प्रार्थना सभा रखी, जिसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने एक इमोशनल नोट भी लिखा है। आपको बता दें कि 30 जून 2021 को राज को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनका निधन हो गया था। इंस्टा हैंडल से तस्वीरें शेयर करते हुए मंदिरा ने लिखा कि 2 दिन की प्रार्थना और तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार राज। आसमान आज सारा दिन तुम्हारे लिए रोता रहा जैसे हम रोए। आप जहां भी हो आप शांति से रहें, प्यार से रहें। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिश्ते को लेकर फैंस काफी टाइम से कंफ्यूज थे। कभी कहा जा रहा था कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तो कभी कहा जाता है कि दोनों की शादी होने वाली है। इन खबरों के बाद पहली बार परेशान होकर कियारा आडवाणी ने एक रीसेंट इंटरव्यू में सिद्धार्थ मल्होत्रा संग अपने रिश्ते पर बात की है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनकी डेटिंग और ब्रेकअप की अफवाहों पर बात करते हुए कियारा ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। जब मैं कुछ कह नहीं रही तब भी लोग लिख रहे हैं, इसलिए जब मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे नहीं पता कि सब लोग क्या लिखेंगे। जब भी मुझे लगेगा मैं इस मुद्दे पर जरूर बात करूंगी। फिलहाल तो मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहद खुश हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना बेहद पसंद है। यही वजह है कि उन्हें जब भी मौका मिलता है अपनी पूरी फैमिली को लेकर वो वेकेशंस पर निकल ही जाती हैं। फिलहाल शिल्पा शेट्टी ने वेकेशंस की कुछ फोटोज को शेयर किया है इंस्टाग्राम पर। जी हाँ दोस्तों, शिल्पा शेट्टी इस टाइम अपने पति राज कुंद्रा, माँ सुनंदा, बहन शमिता और बच्चों के साथ लंदन में इस वक्त छुट्टियां बिता रही है। उन्होंने अपनी माँ के साथ फोटोज को शेयर किया है, जिसमें वो मम्मी के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। फोटोज में आप देख सकते हैं कि शिल्पा शेट्टी अपनी मम्मी के साथ खड़ी हुई हैं और इसके साथ ही काफी खूबसूरत पोज भी दे रही हैं, जबकि फोटोज के बैकग्राउंड में एक सुंदर इंद्रधनुष नजर आ रहा है। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाचिया ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज को पोस्ट किया है। फोटोज में उनके साथ भारती सिंह और शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। इन फोटोज में हर्ष और भारती का फैन मूवमेंट देखने को मिला। तीनों ही इस फोटो में शाइनी स्माइल देते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें हर्ष की तो ब्लैक आउटफिट में नजर आ रहे हैं, जबकि भारती सिंह ग्रीन कलर के आउटफिट में सबको काफी इम्प्रेस कर रही है। फिल्म मेकर करण जौहर हॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं, जिसका खुलासा करण जौहर ने खुद किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने ये गुड न्यूज फैंस को दी है। उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हॉलीवुड बुला रहा है, वो भी कुछ कॉफी के साथ। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। वो कभी अपनी बयानबाजी को लेकर तो कभी अपने बॉयफ्रेंड आदिल को लेकर चर्चा बटोर रही हैं। अब हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के होने वाले बच्चे को लेकर
एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है राखी सावंत ने। एक इवेंट में पेपरा जी के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने तैमूर अली खान और आलिया भट्ट के बच्चे के बारे में बात की है। राखी ने कहा कि आलिया का बच्चा सुंदर होगा, तैमूर से भी खूबसूरत। अब आलिया के बच्चे और तैमूर के बच्चों में कॉम्पिटिशन होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जिस दिन मेरा बच्चा होगा हम तीनों में कॉम्पिटिशन होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ खबरें थी जो शायद आज आपने मिस कर दी हो। बॉलीवुड रैप में कल मैं फिर हाजिर हूँ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, फिल्मी बीट को देखते रहिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए।